कांग्रेस नेता और भोपाल के विधायक आरिफ मसूद भारत जोड़ो यात्रा के तहत अपनी उप यात्रा लेकर खंडवा पहुंचे। इस दौरान यात्रा के बीच एक स्टेडियम में फुटबॉल खेल रहे युवाओं को देखकर वह भी उनके बीच फुटबॉल खेलने पहुंचे। उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों से परिचय किया और उनके साथ फुटबॉल खेला। आरिफ मसूद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह फुटबॉल की किक नहीं बल्कि 2023 की किक है, जिसका परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। कोरोना में आपके और हमारे साथ, तब कौन जाति पूछ रहा था, कौन धर्म पूछ रहा था, कौन मजहब पूछ रहा था, जिसको जो लग रहा था। तो देशवासियों और खंडवा वालों, हम सब एक दूसरे के काम आ रहे थे। उस टाइम कोई जाति का बंधन नहीं था, क्योंकि सत्ता नहीं थी, सत्ता के दलाल नहीं थे, नफरत फैलाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर नहीं थे। तो नफरत नहीं थी, तो मोहब्बत थी, वो तमाम समाज के एक होकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यही असल भारत है, यही इंसानियत है। और ये इंसानियत के अलम के लिए हम तुम्हें चेताने आए कि उठो और इंसानियत के साए में आओ, जुल्म के खिलाफ आवाज लगाओ, नफरत मिटाओ, देश बचाओ। इसी नारे के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये देश में बढ़ती हुई नफरत को रोकने के लिए सिर्फ हम सबको मोहब्बत के पैगाम को आम करना पड़ेगा। और बहुत कठिनाइयों और परेशानियों से लड़कर न जाने कितनी लाखों कुर्बानियों के बाद ये देश आज़ादी हमको मिली थी, और उसको जब बर्बाद करने का ताना बाना बुना जा रहा हो, तो ऐसे वक्त में ये कदम मिलाना ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे कहने आए कि जब खंडवा शहर में राहुल गांधी जी का प्रवेश हो, तो राहुल गांधी जी के साथ पूरे खंडवा को चलना चाहिए, ताकि इतिहास साक्षी बने, गवाह बने इस बात का कि एक दौर था जब महात्मा गांधी के साथ सब कदम मिला रहे थे, आज एक गांधी चल रहा है तो उसके साथ भी हमने कदम मिलाया और निस्वार्थ मिलाया देश को बचाने और संविधान को बचाने के।